चलिए बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के मौसम की। तो 27 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। आपको बता दें मानसून एक बार फिर यहां मेहरबान नजर आ रहा है। भारी बारिश को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सतना, रीवा, सीधी, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर और नरसिंहपुर यहां पर बारिश की संभावना है। तो वहीं मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह में भी भारी बारिश की चेतावनी दे दी गई है। भोपाल, इंदौर, विदिशा, रायसेन और सीहोर में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, तो कुछ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो एक बार फिर मानसून मेहरबान होते नजर आ रहा है, लोगों को बारिश से काफ़ी राहत महसूस हो रही है। कुछ दिन पहले की बात करें तो मानसून सुस्त हो गया था और काफ़ी भारी गर्मी देखने को मिली थी, लेकिन अब उस गर्मी से लोगों को राहत मिल गई है। मौसम हरियाली नुमा हो गया है और मौसम में ठंडक घुल गई है। बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के मौसम की। तो यहाँ पर भी एक बार फिर से मॉनसून एक्टिव हो गया। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया। प्रदेश के कुछ स्थानों में भारी बारिश की संभावना है, तो वहीं गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जाहिर की है। राजधानी रायपुर में देर शाम बारिश हो सकती है। प्रदेश में सर्वाधिक तापमान जांजगीर में दर्ज हुआ है और न्यूनतम तापमान दुर्ग और अंबिकापुर में दर्ज किया गया है। तो यहाँ पर भी छत्तीसगढ़ में मॉनसून एक्टिव नजर आ रहा है, मेहरबान नजर आ रहा है, लोगों को बारिश से राहत महसूस हुई है। एक बार फिर से झमाझम बारिश का दौर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसका सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मौसम हरियाली नुमा हो गया है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ भोपाल से सूरज शर्मा जुड़ गए। भाई बात करें छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ रायपुर से हमारे साथ टिकेश जुड़ गए। मौसम का इनसे अनुमान लेते हैं, पूछते हैं किस प्रकार से अब मौसम रहने वाला है। पहले बात कर लेते हैं सूरज से। सूरज, जिस हिसाब से देखा जा रहा है कि एक बार फिर से मानसून मेहरबान नजर आ रहा है, कुछ दिन पहले की बात करें तो काफी ज्यादा गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ा था, लेकिन एक बार फिर अब इस गर्मी से राहत मिलती नजर आ रही है। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के ऊपर एक साइक्लोनिक सिस्टम बना है, इसका असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। और कहा जा सकता है कि अब लंबे इस अंतराल के बाद ये मानसून की बारिश नहीं बल्कि खुशहाली की बारिश है, क्योंकि हम देख रहे थे प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर खासतौर से अल्पवर्षा के चलते फसलों को नुकसान हो रहा था, लेकिन अब खुशनुमा मौसम है। और देखिए सुबह का वक्त है, किस तरीके का नजारा यहाँ पर नजर आ रहा है। खासतौर से 29 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है, इसमें खासतौर से 19 जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। तो कहीं ना कहीं ये खुशहाली की बारिश मध्य प्रदेश में हो रही है, क्योंकि फसलों के जीवन पर कहीं ना कहीं संकट मंडराने लगा था, चाहे वो धान की फसल हो, कपास की फसल हो, अन्य दूसरी फसलें हो। कहीं ना कहीं अल्प वर्षा के चलते किसानों के माथे पर जरूर चिंता की लकीरें आने लगी थी, और अब जिस तरीके से बारिश का फिर से दौर शुरू हुआ है, माना जा रहा है कि 20 सितंबर तक संस्कृति मध्य प्रदेश में ये जो सिस्टम है ये बना रहेगा, जिसके चलते कई जिलों में बारिश देखने को मिलेगी। राजधानी भोपाल की यदि बात करें तो यहाँ पर रुक रुक कर रिमझिम बारिश का दौर आएगा। तो कहीं ना कहीं एक तरफ जहाँ गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ अल्प वर्षा से जो फसलों के जीवन पर संकट मंडरा रहा था, जो किसान चिंतित थे, सरकार चिंतित थी, उनकी चिंता कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कम होती नजर आ रही है। वो माना जा रहा है कि 20 सितंबर तक ऐसा ही मौसम रहेगा, कई जिलों में बारिश देखने को मिलेगी, जो कहीं ना कहीं किसानों के लिए, फसलों के लिए और आम आदमी के जीवन के लिए, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी साबित होगी। संस्कृति, बिल्कुल सूरज, जिस हिसाब से बारिश हो रही है, मानसून मेहरबान नजर आ रहा है, उस हिसाब से ये कहना गलत नहीं होगा कि ये बारिश अच्छा संकेत लेकर आ रही है। चलिए हमारे साथ लगातार रायपुर से टिकेश भी जुड़े। टिकेश, मौसम विभाग का क्या कहना, कुछ दिन पहले की बात करें छत्तीसगढ़ में जो पारा है 35 के पार पहुंच गया था, लेकिन अब एक बार फिर मानसून मेहरबान नजर आ रहा है, क्या कुछ मौसम वैज्ञानिकों का कहना है, आगे आने वाले दिनों में मौसम क्या इसी प्रकार रहने वाला है? जी देखिए, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखाई दे रही थी, लेकिन कुछ दिनों से मौसम मेहरबान है और किसानों के चेहरे में खुशियां लौट आई है, ये कहना वाजिब है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ के तमाम वो इलाके हैं जहां पर सूखा नजर आ रहा था, वहां पर अब बारिश झमाझम हो रही है, हल्की बारिश हो रही है। तो तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। वहां पर बात करें बिलासपुर संभाग की, या फिर सरगुजा संभाग की, या फिर राजधानी रायपुर से जुड़े तमाम वो जिले हैं जहां पर लगातार हल्की बारिश हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है, गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। तो लगातार छत्तीसगढ़ में मौसम मेहरबान है और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के साथ साथ सरगुजा संभाग में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आने वाले समय में मौसम मेहरबान रहेगा और झमाझम बारिश गरज चमक के साथ देखने मिलेगी। रही बात राजधानी रायपुर की, तो राजधानी रायपुर के लगे कई ऐसे इलाके जहां पर सुबह से ठंडी हवाएं चलने का जो सिलसिला है वो प्रारंभ है, और
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में करीबन जो अधिकतम तापमान है वो 33 डिग्री सेल्सियस है, जबकि बिल्कुल टिकेश और जिस हिसाब से भारी बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया और उसको लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई ताकि किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति निर्मित ना हो, बाढ़ जैसे हालात ना बने, उसके लिए भी तैयारी कर ली गई है। बहुत शुक्रिया सूरज आपका भी जानकारी के लिए और टिकेश बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।